उनपे एड्रेस है जूस एंड क्रिश्चियंस पर। ये एक न्यूज पेपर है जिसका मैं ट्रांसलेट कर दूंगा, फ्रैंकफर्टर ज़ाइटंग, ये जर्मन एक न्यूज पेपर है 1922 की, इसमें बात लिखी है 1922 लिखा है। एन ऑस्ट्रियन जर्मन जू बाय द नेम ऑफ लियोपोल्ड वेस, ऑस्ट्रिया का एक जू था, जर्मन जर्मन यहूदी, उसका नाम था लियोपोल्ड वेस, वो यरूशलेम की तरफ गया, यरूशलेम 1922, यरूशलेम क्या पैलेस्टाइन इसराइल, उधर जाके वो रिपोर्टर था, न्यूज रिपोर्टर किसका, फ्रैंकफर्टर ज़ाइटंग, ये न्यूज़पेपर था उधर से, उधर उसके अंदर जो ज़ायरिस मूवमेंट का जो कहते हैं ना अनडिस्प्यूटेड लीडर था वो था डॉक्टर शेन बिस्मैन। ये आप नामों को याद रखिए, आप बस ये देखिए मोमिन और फासिक में फर्क क्या है। ये यहूदी रिपोर्टर है, आपको पता है 1922 में इसराइल और पैलेस्टीन का मसला चल रहा था, यहूदी वहां से डायस्पोरा से बचे और भारत, उसकी डिटेल है। तो यहाँ पर उसके ज़ायरिस के कुछ दोस्त हजरात थे, वो जो ज़ायरिस लीडर था उसके वहां पर वो चला गया, उसके पास इंटरव्यू लेने, उसके साथ जो सराउंडेड थे बेंगुरियन बेगलियन ध्यान दाना, आप लोगों को पता है तारीख बड़ी इजराइल की, तो उसमें ये आपको नाम पता चलेगा, ये उसके सारे शागिर्द थे। अब वो बोलता है मिन हुमुल मुमिनून व अक्सरहुमुल फासिकून, वो कहता है अरब की डिस्कशन हो रही है, अरब का क्या किया जाए, जो अरब है वो वहम की पावर के अंदर है, किस तरह करोगे। तो उसने यहूदी जो था जो ज़ायरिस का था उसने अपने कंधे पर ऐसे हिलाया, उसने कहा व्हाट अबाउट अरब्स, अरब से क्या गए, क्या गए अरब से हम लोग। उसने आगे से बोला वी एक्सपेक्ट देम, सॉरी वी एक्सपेक्ट दे वोंट बी इन अ मेजॉरिटी आफ्टर फ्यू इयर्स, उसने कहा हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो ज्यादा मेजॉरिटी में नहीं रहेंगे, यहूदी कहते अरब नहीं रहेंगे, हम उनको वाइप आउट कर देंगे। कौन कह रहा है, यहूदी, और दूसरा यहूदी कौन है, मोमिन। हजरत हव्वा को वसवसा दिया, हजरत हव्वा ने हजरत आदम को वसवसा दिया, तो फल खाया, कौन सा फल, फल खाने का। पॉइंट पर समझ रहे हैं, ये क्रूसिफिक्शन की क्या वजह बनी है, क्यों क्रूसिफिक्शन पे ईमान आते हैं कि वो फल खाया उससे ईमान बन गया। सारी उम्र फॉरएवर हमेशा कौन, हजरत ईसा अलैहि सलाम, किसने बशारत दी बाइबल में, फरिश्ते ने हजरत मरियम को खुशखबरी दी कि तुम्हारा बेटा होगा वो बनी इसराइल पे राज करेगा सारी उम्र, जिस दिन पैदा होगा क़यामत तक, और तख्त पर मुशरिक बैठा हुआ था, पोंटियस पायलट रूमी मुशरिक बैठा हुआ था, और फरिश्ते ने कहा था कि तू बैठेगा। पॉइंट में समझ रहे, ये हजरत ईसा को किसने मारा, ईसाइयों ने बता दिया, यहूदियों ने बिशारत क्या दी थी कि यहूदियों पे वो राज करेंगे, लेकिन यहूदी तो समझते हमने मार दिया ईसा को 2000 साल पहले, तो ये बिशारत झूठी निकली, ये बाइबल की बिशारत आज तक पूरी नहीं हुई, ये बात ध्यान में रखिए। देखिए क्रिश्चियन जो है ना दो किस्म के हैं, मैंने अभी आपको बताया, मिल रूम तो नहीं जाओगे, आप जाएंगे प्रीचिंग में, कभी जाएंगे हन्नाबाद कोट लग पता, आप लग पता जाए क्रिश्चियन मिशनरीज, कितना क्रिश्चियन सब मिशनरीज, क्योंकि उनकी बाइबल में कमांड है, जैसे ने कहा तुम ना सांप की तरह चलाक हो जाओ, सांप की तरह चलाक हो जाओ और फाख्ता की तरह मसूद हो, जैसे तुम पकड़े जाओ तो कह दो मैं तो फाख्ता हूं, हैं जैसे फाख्ता रूप किया सांप का, जो घरों में घुसो लोग घरों में घुसते जाके प्रीचिंग करो। तो क्रिश्चियंस कह रहे हम लोग अफसोस की बात है कि थोड़ा कम करें, लेकिन वो करते हैं, उनको इंटरेस्ट है आप में, यीशु मसीह को मानो कि वो तुम्हारा खुदा है, कफारा भरा तुम्हारे लिए निजात है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में कि तिल का अमानी यहूद, ये उनके ख्याली लव है, हेलुसिनेशन, बैर में बकवास करो मत, कुल उनसे कहो हाथ बुरहान को भी कुल तुम साबित नहीं, अपना बुरहान दो अगर तुम सच्चे वाले करने लगते हैं। लूक चैप्टर 19 में लूका 19वां बाब में लिखा है कि हजरत ईसा अलैहि सलाम यरूशलेम में राज करने वाले हैं, क्या अपनी रियासत कायम करने वाले के वो सीन है, ये वो सीन है, ट्रम्फंट रॉयल एंट्रेंस इनटू द सिटी ऑफ यरूशलेम, यरूशलेम में हजरत ईसा अलैहि सलाम की एंट्रेंस होने लगी अपने हवारियों के साथ, क्या कि आज हमारा यरूशलेम हो जाएगा और यहूदी ये रूमी सोल्जर्स हट जाएंगे और हम राज करेंगे, हजरत ईसा अलैहि सलाम की स्टेट पर सन्स आएगा। हुआ क्या ये मैं आपको बताता हूँ बाद में क्या हुआ।
हजरत ईसा के सामने हवाई है और वो यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं और सब लोग हैं उनके इर्द-गिर्द पत्ते ऊपर, आप कैसे बैठ सकते हैं मुझे बताएं। दो पत्ते पे कोई बंदा बैठा देखा कभी जिंदगी में? लेबारा बाइबल में कहा वो दो पत्तों पे बैठ के यरूशलेम जा रहे थे तो लोगों ने फेंके होसाना का सर, लोग डेविड होसाना होसाना का मतलब हिप्पी पूरे खुश हो रहे, किंगडम ऑफ हेवन खुदा की रियासत तभी बनने वाली है, हमारी खुश है कि आज हमारी रियासत कायम हो जाएगी। तो दूमियों ने कहा हज़रत ईसा को अपने हवारियों को सब ठीक कर दो, अपने हवारियों को रिलैक्स करो, रूमी सोल्जर आ जाएंगे, मसला हो जाएगा। तो हज़रत ईसा ने फरमाया कि आप थोड़ा आगे गए, रूमी सोल्जर ने पकड़ लिया उनके हवारियों को और सारा का सारा डैम स्पिल सब जाया हो गया। हज़रत ईसा 33 कि हज़रत ईसा अलैहि सलाम आएंगे, दाऊद इस्लाम का तख्त लेंगे और वो बनी इसराइल मुकदमा आएगा, मुकदमा जो उन पर मुकदमा चला सूली पे चढ़ाने का मुकदमा था ना जो उनका चल रहा था वो बाइबल में डिस्कस कर रहा। कुछ चीजें आप लोगों के लिए नहीं होंगी लेकिन क्रिश्चियन मेरी हर बात को समझ रहे, क्रिश्चियन जो है ना वो मेरी हर बात को नहीं कोई और गैस नहीं इसराइली रह गया ना वो भी नहीं, जीसस क्राइस्ट हजरत ईसा अलैहि सलाम। लूक चैप्टर 19 वर्स 27 हजरत ईसा अलैहि सलाम ने कहा जो चाहता है कि मैं चढ़ा लेकर उसको दाऊं मैं सिखरत पर काट दूंगा। क्रिश्चियन हमें क्या कहता है? इस्लाम वाज स्प्रेड बाय सॉर्ड, इस्लाम तलवार से फैला, इस्लाम जालिम मजहब है, इस्लाम एक हदीस और एक कुरान की आयत नहीं जहां नबी ने कहा हो या अल्लाह ने कहा हो कि जो तुम्हें नबी एक्सेप्ट नहीं करता उनकी गर्दन चॉप ऑफ कर दो। इस्लाम में तीन ऑप्शन दिए गए, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 29 अल्लाह ताला ने फरमाया तीन ऑप्शन है, इस्लाम कबूल करो या जिजिया दो या जंग के लिए आ जाओ, तीन ऑप्शन है। हज़रत ईसा ने कोई ऑप्शन नहीं दिया, इधर लाओ गर्दन काट दो। कुदर जाके कहा कि ये अपने आप को कहता है क्राइस्ट द किंग,
मैं बादशाह हूं, तुम ये यरूशलम का चार चीज कर दिया, जान के यहूदियों हजरत ईसा को फंसाने का। तो पोंटियस पिलातुस सूली पे चढ़ के, सूली पे चढ़ के हमारे लिए नहीं मरे। अगर ऐसा नहीं हुआ, our preaching is in vain and our religion is vain. In other words, Christianity has nothing to offer to mankind, not one thing except of this sale. तो मानते नहीं थे, तो टांग खींचने की कोशिश करते। उन्होंने पूछा, रब आए मास्टर, मौलवी साहब, हमारे अंदर एक औरत है जिसके 8 शोहर है, एक साल नहीं, एक मरा दूसरे ने की, एक मरा दूसरे ने की, एक मरा दूसरे ने की। यहूदियों का ये कस्टम था कि अगर एक भाई ने किसी बच्चे के बगैर छोड़ दी औरत को, तो दूसरा भाई उससे शादी करेगा, वन एट अ टाइम, जो कि इस्लाम में भी है। तो क्या उन्होंने कहा, ये मसला हज़रत ईसा के पास लेके आए कि एक औरत है, उसके 8 हस्बैंड थे, तो इस दुनिया में तो वो एक एक के साथ शादी कर लिया, आखिरत में कौन सा हस्बैंड उसके साथ होगा। सवाल क्या हज़रत ईसा इस्लाम का, Neither they shall die anymore. वो कभी भी दोबारा नहीं मरेंगे। These the children, मैंने कहा ये बच्चे, such are the children of resurrected. ये बच्चे हैं जो resurrected हैं, angelized, spiritualized. ऐसा नहीं कहा spirit बन जाएंगे, मतलब झगड़ा नहीं होगा, रूहानी होगा, तो क्या लड़ोगे तुम लोग? क्योंकि यहूदी हमेशा fight के लिए आते थे, लड़ने के लिए आते थे। तो ऐसा कहा लड़ोगे क्या, रूह हो जाओगे तुम लोग, तो रूह बन जाओगे। ऐसा नहीं कहा कि जब मरोगे तो resurrected हो जाओगे। पॉल ने क्या कहा, जब मरोगे तो रेजरेक्टेड रूहानी। हज़रत ईसा अलैहि सलाम ने लूक चैप्टर 24:20 में क्या कहा, रूहानी। पॉल ने 1 कुरिन्थियस चैप्टर 15 वर्स 42-49 में क्या, रूहानी। तो हज़रत ईसा अलैहि सलाम लूक चैप्टर 24 वर्स 38 में कह रहे हैं, हैंडल मी एंड सी सी, ए स्पिरिट हैज नो फ्लेश एंड बोन्स एज यू सी मी हैव, मेरे अंदर गोश्त हड्डी है तो मैं रूह नहीं हूं। तो साबित होगी बात, हज़रत ईसा रेजरेक्टेड नहीं हो। अगर कहते हो तो फिर पॉल और हज़रत ईसा का इख्तलाफ है, और एक इख्तलाफ काफी होता है। अफला यतदब्बरून अल-कुरान, अल्लाह फरमाते सूरह निसा चैप्टर 2, सूरह निसा चैप्टर 4 वर्स 82, अफला यतदब्बरून अल-कुरान, तो क्यों नहीं कुरान में लिखो और से देखते, वलव काना मिन इंदी गैरिल्लाह लवजदू फीह इख्तलाफन कसीरा, अगर ये अल्लाह की रहमत किसी की तरफ से होती इसमें इख्तलाफात होते। ये कुरान पढ़ा हुआ है, ये तो कुरान नहीं है, कुरान पढ़ा हुआ है, आप चेक करें, एक इख्तलाफ आपको नहीं मिल सकता। 14 साल से इख्तलाफ, जो कहते हैं जाहिरी इख्तलाफ हो, ये इख्तलाफ नहीं, कोई एक चीज यहाँ बात हो रही है तो दूसरे कोई और बात हो रही है, एक अल्लाह ने कहा मैंने 100 फिश्ते बनाए, अल्लाह ने तुम्हें 150 बनाए, तो इख्तलाफ हो, ये नहीं। जमाना और मकान, सिटी शहर के लिए भी इस्तेमाल होता, छोटे बड़े टाउन के लिए भी बाइबल में इस्तेमाल होता, मत जाना इन जगह पे, मत जाना, क्योंकि मैं सिर्फ बनी इसराइल के लिए, और समरीटन्स क्रिश्चियंस थे, ग्रीक्स जिनको कहते हैं जेंटाइल, जो यहूदी बनी इसराइल से नहीं थे। पौल कहता है 12 के अलावा कीफस को देखिए, मतलब 13 हवारी, हज़रत ईसा के तो 12 हवारी थे, और जूदस एस्करियोट, आपको पता है 1 बुक ऑफ एक्स चैप्टर 1 वर्स 50 में जूदस एस्करियोट ने खुदकुशी कर ली थी, हज़रत ईसा की बहुत क्रूसिफिक्शन से पहले कर ली थी खुदकुशी, तो जूदस एस्करियोट तो माइनस हो गया ना, तो कितने डिसाइपल होने चाहिए थे, 11। पौल कहता है 12 के अलावा एक और को भी दिखे, 13 बना दिए उसने, जबकि 13 बनते नहीं, मात्र टोटल हवारी भी थे, 2 तो हवारी मिस थे। देखें उसने साइबर्स कॉन्ट्रडिक्शन इख्तलाफ, हवारी में भी रिलीजियस क्रिश्चियन कहता है ऐसे, क्योंकि पेट उसने कहा कीफस और 12 को दिखे, टोटल 13 डिसाइपल, ये इतना स्वेयर कॉन्ट्रडिक्शन है कि ये सॉल्व नहीं कर सकते। फिर एक और कॉन्ट्रडिक्शन, एक और कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, मार्क चैप्टर 16 वर्स नंबर 15 लिखा हुआ है कि आपको याद है मैंने आपको बताया था, जब हज़रत ईसा अलैहि सलाम ऊपर वाले कमरे में गए थे, उन्होंने कहा था ये करो वो करो, आप लोग बताई थी ना बात कि वो घबरा गए, हवारी डर गए थे, तो कौन कहता, मार्क कहता है कि उस टाइम उनके कमरे में 11 हवारी थे। एक बात अफला किरोटा कुत्ता किरोटा किसरा पटरी से उतर गए, माइदा चैप्टर 5 वर्स नंबर 75, हज़रत ईसा ने माइदा में क्या खाना खाया, क्या साबित किया कि मैं खुदा नहीं हूं, मैं इंसान हूं, मेरी जरूरत है खाना खाना, मुझे भूख लगी है, मैं परेशानी में हूं, खाना खाया। तो वहां पे नोट किया विटनेसेस में भी इख्तलाफ है, पॉल ने कुछ सीन बनाया है, हज़रत ईसा के पास वो हवारी मौजूद ही नहीं, इसको कहते हैं थम्स अप कर, तुम क्या दिखाओगे तुम अल्लाह के रसूल हो। हज़रत ईसा
हमेशा तुम लोगों को मोर्चा चाहिए, हमेशा मोर्चा चाहिए, तुम्हें कोई मोर्चा नहीं मिलेगा तो तुम्हें मैं कोई मोर्चा नहीं दूंगा सिवाय एक मोर्चा के जो यूनुस अलैहिस्सलाम का मोर्चा, यूनुस अलैहिस्सलाम का मोर्चा, जिस तरह यूनुस 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा उस तरह मैं 3 दिन 3 रात दुनिया के अंदर रहूंगा। अलैहिस्सलाम ने कहा मोर्चा, कौन सा मोर्चा? यूनुस अलैहिस्सलाम का। यूनुस अलैहिस्सलाम का मोर्चा क्या है? बुक ऑफ जोना पढ़े, जोना इनकी किताब है और पुराने अहद में यूनुस अलैहिस्सलाम की किताब है बुक ऑफ जोना। इतनी छोटी किताब है कि अगर आप ऐसे करेंगे तो किताब का वो पन्ना आगे निकल जाएगा, पता नहीं चलता, 2 या 3 चैप्टर। बुक ऑफ जोना पढ़े तो वहां पे अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम जाओ नीनीवा, नीनीवा एक जगह है तो जाके लोगों को कहो कि वो अल्लाह से माफी मांगो, माफ कर दे। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के मुताबिक नीनीवा की जगह वो जाफस चले गए, जाफा एक जगह का नाम है बॉर्डर जाफा, पुराने में जाफस, वो जाफा चले गए, जाफा चले गए तो वहां पे वो समंदर कश्ती कश्ती के ऊपर सवार हो गए और तो आगे से तूफान आ गया। तो यूनुस अलैहिस्सलाम ये समझे कि जो मैंने अल्लाह की बात नहीं मानी थी इस वजह से अल्लाह ने सारा तूफान खड़ा कर दिया, तो उन्होंने कहा कि आओ हम लोग टॉस करते हैं, टॉस। पहले हज़रत यूनुस ने उनको कहा मरीनर्स को, समंदर कश्ती जो मरीनर्स, 3 दिन 3 रात मछली के पेट में ही सफोकेशन, इंसान को मर जाना चाहिए, अगर बंदा ना मरा तो क्या है मोर्चा, अगर मर गया तो भी कोई मोर्चा है। तो वो जब पेट में थे 3 दिन 3 रात क्या थे, जिंदा थे कि मर गए थे? बाइबल में लिखा हुआ है जोना चैप्टर 2 वर्स नंबर 1 में लिखा हुआ है कि उन्होंने मछली के पेट से अल्लाह को दुआ की, मछली के पेट से। अब मुझे आप बताएं मरे हुए लोग दुआ करते हैं? हाँ, मरने के बाद क्या दुआ करनी है? सजा जजा मिलेगी तो सब होगी क्या? तो यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट को जिंदा थे, जिंदा थे कि मुर्दा थे? अब फिश ने 3 दिन 3 रात के बाद बंदे को पकड़ के बाहर निकल दिया, हजरत यूनुस को बाहर निकल दिया, जिंदा थे कि मुर्दा थे? जिंदा जिंदा जिंदा। हजरत ईसा ने क्या किया? जो मेरा मोर्चा, जो यूनुस का मोर्चा है वो मेरा मोर्चा है, फर्क सिर्फ ये है कि यूनुस मछली में था, मैं दुनिया में हूं। पॉइंट समझे? हजरत ईसा ने कहा 3 दिन 3 रात। अब 3 दिन 3 रात हजरत यूनुस क्या थे? जिंदा। और 3 दिन 3 रात हजरत ईसा क्या है? गलत। 3 दिन 3 रात क्रिश्चियन धर्म कहता है ही वाज डेड फॉर 3 डेज एंड 3 नाइट्स, वो मर गए थे 3 डेज एंड 3 नाइट्स, जीसस क्राइस्ट। हजरत ईसा के मुताबिक मेरा मोर्चा यूनुस का मोर्चा, यूनुस अलैहिस्सलाम का मोर्चा क्या? वो जिंदा रहे। पूरी ईसाइयत कहती है वो 3 दिन 3 रात मर गए। ये बाइबल पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है, इस्लाम देखिए इसमें भी इख्तलाफ है, इनको कुछ पता ही नहीं क्या कर रही है, लटका दिया। अब अगला दिन का सबत हफ्ता, यहूदियों के अंदर सबत के दिन कोई सजा नहीं दे सकता, कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि ड्यूट्रोनोमी में लिखा है, ड्यूट्रोनोमी चैप्टर 23 में लिखा हुआ है नो वन शुड बी हंग ओवर द ट्री ऑन द डे ऑफ सबत, द लॉर्ड गॉड व्हिच गेव यू द लैंड शुड नॉट बी डिफाइल्ड, वो लैंड डिफाइल नहीं होना चाहिए, अल्लाह ने जो तुम्हें लैंड दिया उसको नापाक मत करो, किसी को भी मत लगाओ सबत के दिन। अब यहूदियों का दिन चढ़ता मगरिब के बाद, और सी चीज चेक कीजिएगा, हजरत ईसा ने क्या किया? 3 दिन 3 रात। क्रिश्चियन ये कहते हैं कि इस वर्ष में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मौजदे की बात नहीं करें, टाइम फैक्टर वक्त की बात करें, 3 3 3 3। तो हम कहते हैं ठीक है वक्त ले लो, वक्त भी पूरा नहीं होता, कैसे नहीं होता? अब वक्त नोट करें, इनके मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सबत से पहले पर उतारा था, जाहिर है कि जब वो उतारा तो उनके जिस्म के अंदर उन्होंने वो लगाई, क्या कहते हैं, एक मेडिसिन होती है जिसका नाम नहीं याद आ रहा, मेडिसिन लगाई उनके जिस्म पर, जिसकी वजह से उनका कुछ 70 पाउंड और कैच वेट हो गया बॉडी, इनके मुताबिक बायो के, उनको क्रीम लगाई, क्रीम लगाने के बाद टाइम श्राउड किया, वो चले सुबह, 3 दिन 3 रात कैसे पूरा हुआ? ये 2 रात और 1 दिन हुआ, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे फिर रिकॉर्ड नाइट, संडे मॉर्निंग टूम एम्प्टी था, मतलब कब वो निकले पता नहीं, हो सकता फ्राइडे को ही ना हो, मतलब कब नहीं ना हो, लेकिन इनके मुताबिक 3 डेज एंड 3 नाइट्स भी पूरा नहीं हुआ। तो फिर क्रिश्चियन कहता है, क्रिश्चियन कहता नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जब बाइबल कहती 3 डेज एंड 3 नाइट्स और 8वां दिन उसकी नाइट नहीं, कुरान में बात करें क्लियर कर, जब हजरत ईसा ने कहा 3 3 तो 3 3
होना चाहिए था जो कि नहीं हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिएगा वो है यूनुस अलैहिस्सलाम का वर्ड। कोई क्रिश्चियन वर्ड द नेम, मेरी पास्टर से डिबेट होती पूरी इंटरनेशनल, बड़े बड़े पास्टर अल्लाह का करम उनसे नहीं पूछते बोलते, कोई क्रिश्चियन वर्ड द नेम आपको ये नहीं बताएगा कि यूनुस अलैहिस्सलाम का वर्ड जाएगा, क्योंकि जब वो कह देगा उसकी गेम खत्म हो जाएगी। उनका मौजा के उनको मर जाना चाहिए था। थॉमस कहता माय गॉड माय लॉर्ड, मैं कितना बेवकूफ था, मैंने अपने लॉर्ड को रिकॉग्नाइज किया एंड ही वाज अलाइव। बाइबल में लिखा है ज़ेन, ग्रीक वर्ड है ज़ेन, अलाइव तो जिंदा होता है, लेकिन क्रिश्चियन पूरी दुनिया कहती है जीसस वाज अलाइव है, और हुआ नहीं सूरत जी बाइबल कहती है अलाइव अलाइव अलाइव, वो कहता रेजरेक्टेड रेजरेक्टेड रेजरेक्टेड, और रेजरेक्टेड वर्ड एक दफा भी चार गॉस्पल्स में हज़ईसा के रिलेटेड नहीं आया। याद रखिएगा वर्ड रेजरेक्टेड एक दफा भी बाइबल में नहीं आया हज़ईसा के केस पर, लेकिन क्रिश्चियन नाम पूरी कहती है ही वाज रेजरेक्टेड रेजरेक्टेड रेजरेक्टेड, थम सब कर दिया रेजरेक्टेड वर्ड, और हज़ईसा ने कहा आई एम अलाइव टू फ्रॉम द एमोस, दो एमोस के हवाले में कहा वी सॉ जीसस एंड ही वाज अलाइव एंड दे बिलीव गॉड, अलाइव 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 अलाइव। अल्लाह क्या फरमाते हैं वमा कतलु वमा सलबु, इनके बारे में अलाइव अलाइव। आप याद रखिएगा एक चार गॉस्पल्स में ईसाई हमें मिलते रहते हैं वक्तन पर वक्तन, तो हम उनसे क्या गुफ्तगू करें ताकि वो करीब हो जाए और मान लें, क्या बात है। देखिए क्रिश्चियन के क्रिश्चियन कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहि सलाम खुदा है, नंबर वन पॉइंट है। अगर वो खुदा नहीं है क्रूसिफिक्शन है, अगर वो खुदा नहीं है ट्रिनिटी नहीं है, तसलीस बाप बेटा फादर सेवन होली गोस्ट, खुदा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि खुदा कहते हैं खुदा ही दुनिया का कफारा भर सकता है, एक आम बंदा तो नहीं कफारा भर सकता, उसका क्या कफारा है, इसका तो सैकड़ों लोग कत्ल होते हैं कफारा तो नहीं करते, वो कहते हैं ही मस्ट बी गॉड। अब क्रिश्चियन जो है ना उससे सिर्फ इतना सवाल पूछें कि मुझे अपनी बाइबल में एक जगह भी दिखा दो हज़ईसा ने अपने मुंह से कहा हो फरमाया हो मैं रब खाना रब मैं खुदा हूँ और मेरी इबादत करो, उसे कहना मैं आज मुझे चर्च में ले जा, कोई कुछ होता कल्टिस्ट चर्च में ले जा। ये है कि ईसाइयों का ये ईमान है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो सलीब पर चढ़े और दलील को देते हैं कफारा, तो ये कफारे का क्या रद है, कफारे का क्या यानी हमारी तरफ से इसका क्या रद होगा, हमारे पास क्या दलील है कि ये कफारा इसका सबब नहीं बनता। कफारा को इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिनल सिन, अब्दि गुनाह शायद उर्दू में कहते हैं फॉरएवर ओरिजिनल सिन, कफारा कहते हैं इंग्लिश में अटोनमेंट। इनकी अपनी बाइबल के खिलाफ है कफारे के मामले में, हज़रत ईसा अलैहि सलाम ने कहा यू आर नॉट ऑफ मी हु डज नॉट टेक हिज क्रॉस एंड फॉलो मी, तुम मेरे हो ही नहीं सकते जब तक तुम अपनी अपनी जिम्मेदारियां खुद ना उठाओ। जब किसी ने कफारा भरना फिर आप क्यों टेंशन में, क्यों परेशान है। हज़रत ईसा अलैहि सलाम ने यहूदियों को बोला, उन्होंने बोला तौबा कर ले और कीप द कमांडमेंट्स और अहकामात पे चले तो उसको कोई डरने की जरूरत नहीं। और ईसाई नए को भी मानता है पुराने को भी मानता है, और यही पुराने विजय अल्लाह फरमाते हैं सूरह बकरा चैप्टर 2 वर्स 115 में कि दोनों की किताब एक है लेकिन दोनों एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं। अच्छा एक बात और कहा जाता है रोजाना चर्चों के अंदर रोजाना चर्च के अंदर अल्लाह को गाली दी जाए, यह बात सही है क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ग्लोरी है हेल मैरी हेल मैरी, और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से खाली है। तफसीर इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तशरीह के अंदर सूरह मरियम चैप्टर 19 वर्स 88 की तशरीह में जब अल्लाह ताला फरमा वकाल अतखज रहमान वलदा, और ये कहते हैं रहमान का वलद है क्रिश्चियन कहते हैं रहमान का वलद है, अल्लाह ताला फरमाते हैं लकद जितु शैयन इल्ला, ये नहायत घटिया गाली देते हैं। The most abominable monstrous one can be, क्या कि अल्लाह को कहा अल्लाह है साइडस है अल्लाह का बेटा है, तकाल इस्तमावात ये नफरत ना मिन, अगर आसमानों को समझ आ जाए तो ये फट जाए, बदन शब्द अर्ज अगर दुनिया को पता चले इसके टुकड़े हो जाए, वतखिर जिबाल हद्दा और पहाड़ों को पता चल जाए ये गिर जाए, अंदाउर लिल रहमान वला और उनके तो रहमान का वलद है। तफसीर इब्ने कसीर रहिमुल्लाह फरमा रहिमुल्लाह फरमाते हैं कि जब ये फर्स्ट टाइम इस दुनिया में ये कहा गया था कि अल्लाह का बेटा है तो अल्लाह ने तमाम दरख्तों पे कांटे उगा दिए, ये
تفسیر ابن کثیر میں ہے, کانٹے اس درختوں پہ نہیں تھے, اس بات پہ اللہ نے کانٹے اگا دیے, ہر درخت پہ کانٹا آج اس بات پہ نہیں کہ, اور کرسچن چرچ میں جائے ٹیوزڈے میٹنگ, ویڈنسڈے میٹنگ, گڈ میٹنگ, سنڈے میٹنگ, ہم جائیں ریلیجیس چرچ, جائیں جائیں جگہ جائیں, جیزس کرائسٹ سن آف گاڈ, جیزس دی سن آف گاڈ, ہیل میری, ہیل میری, ہیل میری کا فادر سن ہولی گھوسٹ, ہم سب کو کہتے ہیں کیا جیزس کرائسٹ کا ہیل میری, اس یسوع مسیح ابن اللہ, یسوع کا پوائنٹ آف ویو سے اس کو سمجھتے کہ اس سے اچھی کوئی گلوری نہیں, یعنی اس استدلال, یہ استدلال کے طور پہ گالی بنتی ہے, استدلال طور پہ کیا مطلب, لیکن کیا مطلب استدلال, گالی گالی ہمارے لحاظ سے بنتی بنتی ہے, یہ مجازی معنی پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, حقیقی نہیں, اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میٹافوریکلی کہ یہ آسمان پھٹ جائے اگر یہ سنے, اتنی بڑی بات ہے یہ کہنا, ضروری اقدامات کیوں نہیں اٹھائے گئے جبکہ صحابہ کے بارے میں تو اٹھائے گئے ہیں, بالکل تاریخ میں اٹھائے گئے, ہر مفسرین بائبل کا علم رکھتا, بائبل بغیر جتنے بھی تفسیر کرنے والے ہیں وہ جو پچھلے علماء گزرے ہیں, بائبل پڑھے بغیر تفسیر ہی نہیں ہوتی, پڑھی سب کو پتا ہے, امام رازی گزرتے تھے تو کرسچن پادری کو بند ہو کر, امام غزالی گزرتے تو بند ہو کر, اس بندے سے ڈسکشن نہ تو آخر وہ کرتے تھے کام, صحابی جب گئے نجس کے پاس, ایتھوپیا نجس کے پاس, کیا تھے سورہ مریم کی آیت تو سنائی تھی نجاس کو, سورہ مریم کی آیت ہے تو نجاس کا دل بدلا تھا نا, تو دعوت دیتے تھے, تو دعوت یہاں پہ اب کم ہو گئی ہے, خاص طور پہ پاکستان میں تو کرسچنز کو کوئی دعوت ہی نہیں, تو جبکہ وہ اتنے زیادہ ہیں, سٹیٹس وہ انگلش میں پریچ کر رہا ہوتا ہے, گاڈ سو لو دی ورلڈ دیٹ جیزس کرائسٹ ڈائیڈ فار اور سین, ہو ایور بیلیوز ان ہم شل ہیو ایٹرنل لائف, جان 3:16 کوٹ کرتے ہیں, اور ایک اردو بندہ کھڑا ہوتا ہے, خدا نے بیٹا دیا, یہ دیا, وہ اپنی ترجمہ کرو, تو کسی اور کو چانس دے دیں, السلام علیکم, میرا یہ سوال ہے کہ جب ہم کسی شخص سے بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے والدین کو لائیں, ہم اپنے علماء کو لاتے ہیں, آپ جو چیز بیان کرنا چاہتے ہیں ہمارے علماء سے آ کے رابطہ کریں, بات کریں, لیکن وہ اس بات پہ ایگری نہیں ہوتے, کیا بات ہے یہ پوچھتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کی اتنا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ سے کرتے ہیں جتنا وہ C95 سے کرتے ہیں, کیا وجہ یہ پوچھتے ہیں, یہ کیا وجہ ہے, سب کام ہو رہا ہے, یہ صرف وہی والی گیم ہے جو میں نے بتا دی تھی آپ کو کہ فاختہ کی طرح مصوب ہو جاؤ اور شام کی طرح تیز ہو, یہ وہ کر رہے ہیں, سب کام ہو رہا ہے, مت سوچیں یہ بات, مت سوچیں کہ یہاں پہ کام نہیں ہو رہا, 1952 میں کرسچنز نام میگزین پڑھے, ایک آتا تھا واچ ٹاور کے نام کا میگزین آتا تھا, اس پہ لکھا ہوا ہے, وہ پوسٹ کرتے ہیں, وہ سیلف پوسٹنگ کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنس یوم آزادی کے بعد اتنا مسلمان عیسائی ہوا ہے جتنا پہلے بھی نہیں ہوا, مطلب ہم جب انڈیا کے اندر رکھتے, جب برٹش ہمیں رول کر رہے تھے اس وقت اتنے مسلمان مرتد نہیں ہوئے جتنے یوم آزادی کے بعد ہوئے, مطلب پاکستان بننے کے بعد, مطلب ان کا کام چل رہا تھا, چلتا اور چلتا رہے گا, تو یہ قیامت تک کا سلسلہ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, ہمیں چاہیے ان کو دعوت دیں, وہ ہم سے ہم ان سے مطلب ہمارا کام ہے, ہمارا اوپر فرض ہے, اس کے بعد میں میرا خیال لیکچر بند کرتا ہوں, یہ لاسٹ ورڈ پڑھ کے میں ایک منٹ یہ بات چلیں آپ سوال کریں, یہ بھائی لاسٹ سوال ہے, کیونکہ بات اتنی ہو گئی, مائک آن کر, چلے ایسے کر لیں, جو حضرت عیسیٰ کے شریف کا انکار کرتے ہیں, وہ حضرت عیسیٰ کو خدا بھی نہیں مانتے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ صرف چند لوگ جو ہے وہ جنت میں جائیں گے, تو جہوہ ویٹنسز جو ہے یاد رکھیں ان کا سب سے زیادہ کام ہے دنیا, میں جب امریکہ میں تھا تو جہوہ ویٹنسز کے لوگ میرے پاس آتے تھے, وہ کہتے تھے واٹ لینگویج ڈو یو سپیک سر, میں کہتا تھا اردو, وہ جاتا تھا اپنا بکسا بولتا تھا اندر سے اردو میں ایسے نکال کر, واٹ لینگویج ڈو یو سپیک سر, گجراتی, زولو, افریقانا, جرمن, 113 لینگویجز دنیا کے جہوہ ویٹنسز سے لٹریچر جا رہے ہیں, لیکن ایک چیز ان میں اچھی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں مانتے, اور یاد رکھیں کرسچن میں 3000 سے زیادہ فرقے صرف کانوں میں ہیں, صرف کانوں میں 3000 سے زیادہ فرقے ہیں, اور گوروں میں 3000 سے بھی زیادہ فرقے ہیں,
तो उनके फिरके इतने ज्यादा है, कोई कहता है ट्रिनिटी है, कोई कहता है ट्रिनिटी, कोई कहता है ऐसा खुदा है बाइबल में, कोई कहता नहीं है। इनके आपस में इस चीज के बेहतरीन किस्म के ना इख्तलाफ आते हैं। बाहर मैं एंड करता हूँ कुरान की आयत सुना के, और हम सबको अमल करना चाहिए, बहुत सख्त आयत है, हमें क्रिश्चियंस को वार्न करना चाहिए, हिकमत से दावत देना चाहिए, दावत देनी चाहिए, कुरान मजीद से दावत देनी चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल माईदा चैप्टर 5 वर्स 72, लक़द कफर अल्लज़ीन क़ालू इन अल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, जिसने भी कहा कि हज़रत ईसा अलैहि सलाम मरियम का जो बेटा है वो खुदा है, उसने कुछ वकालत मसीह, लेकिन हज़रत ईसा ने फरमाया था, हज़रत ईसा के अल्फाज़ है बाइबल को सॉरी कुरान में, وقال المسيح عیسیٰ نے فرمایا تھا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، او اسرائیل کے بچوں یعقوب کے بچوں اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم جو میرا رب ہے تمہارا رب ہے، انہ من یشرک باللہ جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شرک کیا یا شریک کیا، فقد حرم علیہ الجنہ اللہ اس کے لیے جنت حرام کر دیں گے، وما هو النار اور جنت کی آگ اس کا ٹھکانہ ہے، وما للظالمین من انصار اور پھر کوئی انصار مددگار مدد کرنے نہیں آئے گا۔ اگر یہ کوئی بندہ یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ خدا ہے اور حضرت عیسیٰ ایسا خود فرماتے ہیں، فقد حرم علیہ الجنہ اس کے لیے جنت حرام ہو جائے گی۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سورہ نساء چیپٹر 4 ورس 48 میں، جو شرک کی حالت میں مر گیا وہ کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ نساء چیپٹر 4 ورس 16 میں، جو شرک کی حالت کرے گا وہ کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، کوئی بھی گناہ ہو کبیرہ صغیرہ معاف ہو جائے گا۔ شرک میں اللہ نے وعد الحق کہ جو شرک کی سٹیٹ میں مر گیا اس کے لیے کوئی جنت نہیں، کوئی جنت نہیں۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں ہم تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات اپنے مشاہدے کی گرمی میں بیٹھے رہے، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے۔ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں، خصوصاً جن صاحب نے یہ پروگرام ارینج کیا اور سارا پروگرام سیٹ اپ بنایا، خرچہ کیا، اللہ تعالیٰ ان کے جان مال میں برکت عطا فرمائے۔ اور بھائی کرام صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور بھائی روبی صاحب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے کافی ہیلپ کی، اور تمام حضرات کا اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کسی نہ کسی شعبے میں دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خود نہیں کر سکتے، جو کام کر رہے ہیں ان کی معاونت کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، تو اللہ جل جلالہ ہم سب کی بخشش فرمائے۔ اور جتنے غیر مسلم کافی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ایمان کی دولت سے نوازے۔ الحمد للہ رب العالمین، والسلام والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہم سب کے قبیلہ سگیرہ گناہوں کو معاف فرما، پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اتحاد اور اتفاق نصیب فرما۔ یا اللہ جو غیر مسلم کافر ہم کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ سب کو جنت میں داخل فرما۔ یا اللہ جو بھائی اس پروگرام میں آئے ہیں انہوں نے شرکت کی، ان کو جزائے خیر عطا فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، آخرت کی منزل آسان فرما۔ جو معاونین ہیں یا اللہ ان کی جان مال میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه وامته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔
I still think you.
ये इधर खींच लेना अब इसके बोर्ड से।